हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की वूल ली है, और आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, हमने बिल्कुल ही नए तरीके से इसको बनाया है, और इसको हमने सिर्फ दो फंदे से स्टार्ट किया है। आप जितना मर्जी इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। हमने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पिंक कलर से हम एक नॉट बनाएंगे। इसमें ऐसे देखिए स्लिप नॉट बना ली है मैंने। आप किसी भी तरीके की नॉट बना सकते हैं, इसको टाइट कर लेंगे। अब देखिए, हम ये ग्रीन कलर से बनाएंगे एक नॉट। ऐसे किया और इसको इसमें से ऐसे निकाल दिया। ये देखिए, आप जैसे चाहें वैसे अपने तरीके से ये नॉट बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो फंदे बना लिए हैं। जो कलर आप सेंटर में रखेंगे उससे फंदे नहीं डालेंगे, जिससे आप ये डिजाइन डालेंगे उससे फंदे डालेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, देखिए। और ये हम उल्टे तरफ से फंदा बढ़ाएंगे, जो साइड उल्टी रहेगी हमारी। ऐसे देखिए, ये हम उल्टी रो से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और इस फंदे को हम ऐसे इस बुल को इधर करके, और इस फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, अब हम पलट लेंगे इसको। अब इस साइड से हम ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको पीछे कर देंगे पिंक कलर को, और ग्रीन कलर को आगे लाएंगे थोड़ा सा टाइट करते हुए इसको। ये देखिए, अब दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, देखिए ऐसे। उसके बाद हम फिर से पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको वापस ऐसे लपेट लेंगे और इसको बुन लेंगे। तो देखिए, ये हमारे तीन फंदे हो गए ग्रीन के। इसको हम ऐसे करेंगे, और तो यहाँ पे आपके फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइंट होता जाएगा, एक और दो ऐसे। अब हम यहाँ से इसको पलटेंगे और इधर से हम ऐसे घुमाएंगे, पिंक कलर से भी फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। ये देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे, ग्रीन को आगे ले आएंगे थोड़ा सा टाइट करते हुए। यहाँ पे आपको ऐसे करना है, ये देखिए। आप देखिए, यहाँ से हम वापस इसको पलट के ऐसे घुमा लेंगे और इसको बुन लेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक फंदे से ये चार फंदे हो गए। इसको हम ऐसे करेंगे, और इस वाले धागों को आप ऐसे करके अंदर के साइड भी ले सकते हैं। ये देखिए, एक दो तीन, इसको पलट लेंगे और यहाँ से वापस इसको ऐसे लपेट लेंगे, तो चार फंदे पिंक कलर के भी आ गए हमारे पास ऐसे। इसको हम पीछे कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल की शेप में बन जाएगा। तो अभी हमें ऐसे ही बुनना है, एक एक फंदा बढ़ाते हुए। ये देखिए, दो तीन चार पांच, इसको हम इधर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फिनिशिंग के साथ ये जुड़ता जाएगा आपका ऐसे, एक दो तीन चार। यहाँ से हम पलट लेंगे वापस, हम यहाँ से घुमाएंगे, एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही अभी हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इसको बनाएंगे। तो हम आगे बना लेते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नौ नौ फंदे हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 18 फंदे हो गए हैं। देखिए, तीन और तीन छः और तीन नौ, इस तरह से नौ फंदे पिंक के हैं, नौ ग्रीन के हैं। अब देखिए, हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। ग्रीन कलर को हम यहाँ लाएंगे और पिंक कलर को यहाँ लाएंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए, एक फंदा हम ये ऐसे बना लेंगे। और देखिए, अब यहाँ से हम ये वाइट कलर लगाएंगे। सिर्फ एक फंदा हमने बनाया है यहाँ पे, और आप जितना मर्जी साइड से फंदे बढ़ा के अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा जैसे बनाना चाहें
वैसे बना सकते हैं, और इस धागे को आप ऐसे करके इसके साथ में करते चलें, और आप चाहें तो इसको कट करके भी लगा सकते हैं, और इसको भी हमें लाना है साथ में ग्रीन वाले को, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फंदा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो दो चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमने ये वाले कर लिए, और आठ ही फंदे हम इसमें से पिंक वाले में से करेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 16 फंदे हो जाएंगे, दो और देखिए दो चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमने ये भी कर लिए। तो टोटल देखिए हमारे पास सेंटर में ये 16 फंदे होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। आप जितना मर्जी यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, आपका सिर्फ एक फंदा इधर होना चाहिए और एक फंदा इस कलर से इधर होना चाहिए। बीच के फंदे जो होंगे वो आपको तीसरे कलर से बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे, ये ग्रीन कलर से ऐसे, देखिए तो इस तरह से कुछ दिखेगा ये आपका। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे, इसको पीछे करेंगे, सेंटर के फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये देखिए 16 फंदे हमने बुन लिए। अब हम इसको पीछे कर देंगे और इसको आगे लाएंगे, एक फंदा हम ये ऐसे बना लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया है ठीक वैसे ही हम उतने ही फंदे बढ़ाएंगे जितने हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं। आप बड़ा बनाएंगे तब भी आपको इसी के बराबर यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं। तो देखिए हमने पलट लिया इसको, अब हम ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ा लिया, इसको हम इधर करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे वाइट कलर से, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। 16 बनाने के बाद हम भूल को करेंगे ऐसे और यहाँ से हम इसको बुन लेंगे। आप देखिए यहाँ से हम एक फंदा ग्रीन से भी बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब हम ग्रीन को कर देंगे पीछे और वाइट को लाएंगे आगे, और सीधे तरफ की रो हम पूरा कर लेंगे ऐसे बुनते हुए। इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे घुमा लेंगे इसको, ये देखिए इसको बुन लेंगे। तो ये तीन फंदे मेरे पास हो गए, इसको हम करेंगे ऐसे और यहाँ से 16 फंदे हम वाइट से बुनेंगे। ये बहुत ही इजी है और एकदम डिजाइनर बन के कम्प्लीट होगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको किया कम्प्लीट लास्ट तक, ये देखिए। अब देखिए इसको हम करेंगे इस ऐसे और यहाँ से हम बुनेंगे ग्रीन से। तो ग्रीन के दो फंदे थे हमारे पास, अब हम यहाँ से एक और बढ़ाएंगे ऐसे घुमाते हुए, तो तीन फंदे हमारे पास हो गए इसके। इसको हम कर देंगे ऐसे और इसको हम टाइट करके आगे लाएंगे और इधर की रो हम पूरा करेंगे। अब देखिए इस तरह से ही हो गया। तो यहाँ पे अब हम ऐसे ही ये सात फंदे पिंक के कर लेते हैं और सात यहाँ पे ग्रीन, और जो बीच के 16 फंदे हैं ये हमें ऐसे ही बुनना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जितना मर्जी आप बड़ा बनाएंगे ये ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ा लिए हैं। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ इधर भी हो गए और नौ इधर भी हो गए। अब ये हाफ बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे और कलर को हम चेंज करेंगे, पिंक वाला कलर हम यहाँ लाएंगे
और ग्रीन वाला यहाँ लाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेंगे। इसको आपको आप कट करके भी लगा सकती हैं, अगर आप छोटा बना रहे हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, बड़ा बनाएंगे तो यहाँ से कट करके इसको यहाँ ज्वाइंट कर लीजिए, इसको कट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लीजिए। तो देखिए इसको हम यहाँ पे दो का एक करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इस वाले को हम साथ में ले जाएंगे, तीन, ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, इसको इधर कर लेंगे और यहां से देखिए एक दो तीन चार, और देखिए ऐसे करेंगे पांच छः सात आठ नौ, इसको हम साथ में ले जाएंगे, देखिए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। यहाँ पे देखिए मैं 16 वाइट से बुन लिए, उसके बाद हम यहाँ से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और यहाँ पे दो का एक कर देंगे तो ये 8। इस तरह से आपको ये बनाना है। इधर की रो जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। यहाँ से हम पिंक कलर से पिंक के फंदे बुनेंगे, वाइट से वाइट के, उधर ग्रीन से ग्रीन के। तो ऐसे ही हम इधर की रो बनाते हुए इसको पूरा करेंगे ऐसे। तो इसको हम इधर से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए पूरी रो हमने लास्ट तक बना ली है जो जिस कलर से था। अब हम इसको पलट लेंगे। अब वापस हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे और एक उस साइड घटाएंगे ऐसे, दो का एक कर दिया। उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे, वाइट से बुनेंगे एक दो, ये 16 फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे और आगे ग्रीन से बुनेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया और इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः और यहाँ पे दो का एक साथ। अब देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे ये एक फंदा रह जाएगा ग्रीन का, जब हम आपको दिखाएंगे आगे का। दोनों तरफ से सिर्फ फंदा घटाना है और वाइट को वाइट से बुनना है, पिंक को पिंक से बुनना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही अलग तरीके का ये बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इन फंदों को घटा दिया है। एक फंदा हमारे पास पिंक का इधर रह गया, एक ग्रीन का रह गया, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे जब बनाए थे हमने इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम पिंक लाएंगे और पिंक की जगह ग्रीन लाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे 8 फंदे बुनेंगे, एक दो, इसको हम साथ में ले आएंगे, वाइट वाले को हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा अंदर लाके, देखिए तीन चार पाँच छ सात और 8, ये देखिए 8 हो गए। अब हम यहाँ से ये ग्रीन कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो का एक करेंगे 8, ये देखिए। इस तरह से आपको ये बना लेना है। ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे
हमने एक एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ पे हमारे पास सेम फंदे हैं लेकिन हम यहाँ पे घटाते हुए इनको बनाएंगे। तो देखिए इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए ऐसे। ये देखिए यहाँ से पलट लेंगे हम इसको और दोनों तरफ से अब एक एक फंदा घटाएंगे, जैसे हमने दो फंदे से स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हम इसको दो फंदे से एंड करेंगे इसका। ये देखिए दोनों तरफ से हमें एक फंदा घटाना है सिर्फ उल्टी सिलाई में। इसको हम इधर कर देंगे अब, और यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देखिए ऐसे। आप देखिए ऐसे ही घटाते हुए लास्ट के दो फंदे पे हम दिखाते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से घटाते हुए लास्ट में हम चार फंदे पे आ गए हैं, जहाँ पे हम उल्टे तरफ से देखिए इधर भी ऐसे 2 का 1 कर देंगे और इसको इधर करके इस साइड से भी 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस बूल को करेंगे कट और इसको भी देखिए, और देखिए इसको हम ऐसे खींच देंगे इस फंदे को, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ये लॉक हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक नॉट और इसको क्रोशिया की मदद से हम कर देंगे अंदर। ये देखिए तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे, और ये दिखेगा भी नहीं, और इसे हम करेंगे अंदर और यहाँ से हम इस बूल को भी कट कर देंगे। ये देखिए और इधर का भी हमने सेम इसी तरीके से किया है, और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे एक्स्ट्रा धागा